आ, करामा, आ, करामा, आ तेरे मौज करावा आ तेरे सर करावा आ तेरे सत के जावा आ भी जा तेरे मौज करावा आ तेरे सर करावा आ तेरे सत के जावा आप बतौर फॉक्स सिंगर अपने करियर का आगाज किया अपने वालिद को देखते हुए अब आपका जो नया एक हमें जो है रूप नजर आ रहा है नई जनरेशन को टारगेट कर रहा है ये इन्फ्लुएंस किससे हुए आप नहीं मेरी हमेशा ट्राई रही है कि मैं हमेशा ये ट्राई करता रहा हूँ कि जो जदीद तकाजे उनको साथ साथ लेके चलता रहूँ और मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग आप उठा लें तो उसमें आपको लगेगा कहीं ना कहीं स्टेप में करता रहता हूँ कोई ना कोई आ, मेरी कोशिश रहती है तो बस एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा कुछ हुआ है तो बच्चों का तो इन्फ्लुएंस ही रहे कि पापा आप जरा ये जेंजीज जो आजकल है ट्रेंड उनके टाइप के गाने बनाने हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता क्या है कि वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि बंदा करे कवलियाँ तो रब करे सवलियाँ रब जब कर्म करने पे आता है तो वो पता भी नहीं चलता

जब ये ले आए तो मैं कहने के यार ये ये करना है वो करना है ऐसे करना है मैंने दो तीन चार गाने पांच गाने तरतीब हम ना ये चिप्स खा रहे थे मैंने मजाक से कहना शुरू किया चिप्स मोच अच्छा जब सब कुछ हो गया गाने गुने बन गए सब कुछ हो गया अब ये दो साल इसको हमने देखा भी नहीं अच्छा ये दो साल पहले दो साल बेरा... पहले मैंने इसको बनाया तो मैंने दो साल इसको छोड़ दिया मैंने कहा यार वो कहने का अरे भाई वो जो आपने वो गाया था ना वो वो मजाक में जो आपने मैं कहा हाँ यार वो तो वैसे ही मैंने कहा था तो कहते नहीं नहीं वो उससे जरा देखें मैंने कहा यार नहीं इसको क्या देखना है गाने जो बनाए उसको देखे मैंने कहा यार जब कोई चीज बनने लगती है तो मालिक ऐसे कर्म करता है ऐसी मेरी जुगनी भी ऐसे ही बनी

पापा दे लाड कर रहे हैं कोई पापा अपनी बेटी नाल लाड कर रहे मोस्टली hmm. जितने लोग हैं वो पॉजिटिव और बहुत मोहब्बत से जिन्होंने मुझे नवाजा जिन्होंने बहुत दुआएं भी मुझे दी और मुझे तो बड़ी पॉजिटिविटी नजर आई इसमें बहुत अच्छा लगा कॉन्सर्ट्स आप जैसे कह रहे हैं आप जाते हैं आप मुझे बताए कि क्या लोग डिमांड करते हैं कि आलम को ले आना अली को ले आना आमिर को <laughs> यह ऐसा होता है मेरे साथ होता क्या है कि इनका मैंने कभी भी नहीं कहा कि भी ये कमिटेड है लेकिन वही बात है कि जब भी कोई आता है तो वो डिमांड तो करता है कि अगर आ, आलम आ जाए साथ आपके तीनों बेटे ये जो हैं आ जाए तो जरा रौनक बढ़ जाएगी उसमें कोई डील नहीं होती उनको खुद से शौक था या कहीं आपका कोई था कि अगर किसी ने गाना है तो आपने कहा कि ठीक है चलो बात है कि ये मेरे तीन पहर बैठे हुए हैं तीन रूप है मेरे ठीक है मैंने तो कभी भी इनको ये नहीं कहा कि पुत्र ये करना है ये करना है खुद देखते हैं जूनियर जो है आलम जूनियर से अगर बात करें आलम मुझे ये बताओ आपको खुद से गाने का शौक है या बाबा को देख देख के गाने का शौक है पापा ने कभी भी नहीं कहा था कि आप गाओ वैसे एक शौक था मुझे कि मैं भी इस वैसे के हम वो पापा के साथ वैसे ही जाते थे ठीक है वैसे ही जाते हम इसका मैं वैसे ही हमारा शौक है जब आपके वालिद साहब थे आलम साहब आप जब उनसे सीखते थे तो उस टाइम जो एक रिश्ता था और आज जब आपके बच्चे आपके साथ गाते हैं या सीख रहे होते हैं तो क्या डिफरेंस नजर आता है दोनों का अच्छा कैसी बात है कि मुझे अबू ने बैठ के सिखाया नहीं जो इनके साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है बाय बर्थ मैं हाँ मैं आशिक हूँ अपने अबू का अपने वालिद का माँ और बाप का आशिक होना बड़ा कुदरती ये एक बड़ा नायाब तोहफा है hmm. तो मैं आशिक अपने हूँ तो मैं उनको देखता था मैं उन जैसा चलना चाहता था उन जैसा बनना चाहता था। आपको क्या ब्रिज बनना चाहिए पूरी दुनिया में तो ये जो मेल जोल होता है इससे क्या होता है पूरी दुनिया इकट्ठी होती है बाउंड्रीज जो है वो मैं समझता हूँ इंसान ने खुद बनाई आके ना उस पर लचक होनी चाहिए कि आप सकाफती मेल जोल करें ताकि वो जो पीपल टू पीपल तो बहुत प्यार है लोगों में जब जाते थे वहां पे तो बाकी ठीक है तकाजे रहने चाहिए बाकी होने चाहिए